जगत सारा क्षणिक है और आत्मा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही अनुमान ज्ञान प्रमाण होता है। यद्यपि भगवान आत्मा अनुमान से जानता है, फिर भी एकांत अनुमान से जाना हुआ वह अनुमान ज्ञान प्रमाण नहीं है।
स्व संवेदन प्रत्यक्ष ऐसा जो अनुभव, इस अनुभूति सहित जो अनुमान है वह अनुमान प्रमाण है, क्योंकि अनुभूति प्रमाण है। चैतन्य परमात्मा त्रिकाल परिपूर्ण है, मगर परिपूर्ण चैतन्य तत्व के आश्रय से पर्याय में जो निराकुल शांति का वेदन होता है, एकमात्र ध्रुव चैतन्य परमात्मा के आश्रय से जो ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है, ज्ञान में ज्ञान के वेदन का भाव यदि समझ में आए तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति का भाव समझ में आए। क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव अलिंग ग्रहण के इस पांचवें बोल में भगवान आत्मा को सिर्फ अनुमाता नहीं है ये सिद्ध करना चाहते हैं। अनुमाता नहीं है यह कहकर के उसे ज्ञाता सिद्ध करना नहीं चाहते, अनुमाता नहीं है ऐसा भगवान आत्मा ये ज्ञेय है ये सिद्ध करना चाहते हैं। जो अनुमान से नहीं जानता, जो प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय है। इसलिए द्रव्य के जोर से और द्रव्य पर दृष्टि करके जो निर्णय होता है उसमें द्रव्य का स्वरूप इतना स्पष्ट होता है कार्य होता रहे मगर कार्य में अलिप्तता रहती है। पर्याय जानने रूप परिणमी तो होते ही है मगर उस परिणमन में मेरा कर्तृत्व नहीं है, उस परिणमन में पर्याय तो परिणमित हो रही है मगर मेरा कर्तृत्व नहीं है, ऐसा जो अंतर में दृढ़ श्रद्धान है उस दृढ़ श्रद्धान का जो लक्ष्य उसका जो बल ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य है। इसलिए यह कहा कि लाखों सुनते हैं उसमें से कोई एकाध विरला इस भाव को समझ पाता है। इन शब्दों के भीतर जो भाव भरा इसे समझ पाता है, बुद्धि के स्तर से यह समझ में आएगा मगर बुद्धि से अलग होकर के ये जो विचार चल रहे हैं उन विचारों से अलग होकर के तरंग रूप क्षण भंगुर इन तरंगों से मुक्त होकर के जब ज्ञान मात्र का अनुभव हो और अनुभव में अनुभव का स्वीकार है तब स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव कहलाता है। अनुभूति के काल में ये पांचों इंद्रियां जैसे एक और है, विकल्प एक और है, ऐसे ही यह अनुमान भी एक और है। चैतन्य तत्व यही है, यही मैं हूं और ऐसे चैतन्य तत्व के आश्रय से पर्याय में वितराग दशा सहज प्रकट होती है मगर उस वितराग दशा की भी चिंता नहीं करता, उसकी गिनती में वहां पर अटकता नहीं,
वह गिनने नहीं बैठता कि परिणति कितनी निर्मल हुई, जानता है मगर गिनता नहीं है। अनुभव होता है, वेदन होता है, मगर उसकी गिनती नहीं होती। जैसे कोई धनपति यह जानता है कि वह 1000 करोड़ का मालिक है, वह जानता है मगर वह 1000 करोड़ को गिनता नहीं है। अंग्रेजी में यह कहावत है, यदि आपका धन आप स्वयं गिनते हैं तो आप अरबपति नहीं है, क्योंकि अरबपति जो हो गया वह स्वयं के रुपये स्वयं नहीं गिनता, गिनने वाला कोई और है। यदि तुम उस वितराग परिणति की गिनती करो कि परिणति कितनी निर्मल हो रही है, तो तुमने परम धन को पाया नहीं। इसलिए क्योंकि बाहर में जो आनंद व्यक्त होता हो उस समय भी तुम्हारा अनुसंधान न टूटता हो, निर्विकल्प ध्यान की उस दशा है। इसलिए इस सत्संग को मैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहता, प्रतिक्रमण तुम सुनो, उस पर विचार करो, उसमें दोषों का स्वीकार करो, अपने भीतर जो मलिनता है उस मलिनता की गिनती करो। प्रतिक्रमण में यह सब मंजूर है कि मैंने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, मैंने इतना दुख भोगा, वो सब गिनती प्रतिक्रमण में करना। मगर इस अलिंग ग्रहण के सत्संग में जब तुम बैठो तो कितना दुख भोगते हो उसकी गिनती तो मत करना, कितना सुख भोगते हो उसकी भी गिनती मत करना। वो जो द्रव्य का आश्रय है उस आश्रय का भाव क्या है, वो द्रव्य के आश्रय का भाव आज हम समझते हैं, अर्थात तुम सुनो। ये सुनते समय यदि तुम्हारा निर्णय और निश्चय दृढ़, पूर्व में ये सब हो चुका है, कल ही कोई पूछ रहा था कि क्या ये तैयारी करनी पड़ेगी, उसके क्रम से यात्रा करनी होगी, इसका कोई ऐसा क्रम है, सुनिश्चित क्रम है। परम कृपालु देव की दृष्टि से कहूं तो सिर्फ इतना कि परिभ्रमण से थकाओ, नींद का एक ही उपाय है, थका हुआ हो नींद आ जाएगी। ध्यान का यह सबसे पहला चरण है कि संसार परिभ्रमण की थकान लगी और निर्विकल्प अनुभूति के काल में वाणी से नाता टूट जाता, निर्विकल्प अनुभूति के काल में बोलता तो नहीं है, सुनता भी नहीं है। इसलिए क्योंकि जहां सोचता भी नहीं है तब अनुभूति होती है, तो बोलना और सुनना ये तो पहले छूट गया। तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में वाणी सुनने गया हुआ भव्य, वहां जो ज्ञान का अनुभव करता है, वाणी एक और रह जाती है, वाणी छूट जाती है, पता भी नहीं रहता कि वाणी में क्या कहा था, शब्द छूट गए। जब गौतम स्वामी समोसरण में है और दिव्य ध्वनि सुनते हैं, प्रत्येक समय 2 घंटे और 24 मिनट तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ती है, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 120 मिनट, उसमें और 144 मिनट, 144 मिनट के लिए दिव्य ध्वनि लगातार कीर्ती है। अब गौतम स्वामी 6ठे 7वें गुणस्थान में है, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूल रहे हैं। जब सुनते सुनते बीच में वह दशा आई
कि निर्विकल्प ध्यान में लीन हो गए। होंगे ही, क्योंकि 48 मिनट के भीतर आत्मा के ध्यान में लीन न हो तो मुनि धर्म छूट जाता है, और वे तो गणधर है। तो सीधी सी बात है कि जब वे आत्मा के ध्यान में लीन हुए तब वाणी तो खिरती थी मगर उन्हें सुनी नहीं, सुनाई न दी, वाणी सुनाई न दी, छूट गई। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि छूट जाए गणधर से, मगर वे तो वाणी सुनकर के अंतर मुहूर्त में ही द्वादश्याम की रचना करते हैं। अंतर मुहूर्त में कहा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अंतर मुहूर्त में तो फिर वे स्वरूप में लीन होते हैं, लंबा काल लगता नहीं है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि के रहस्य को 12 अंग और 14 पूर्व को जिसने जान लिया, गणधर देव जब सुनते हैं, इसलिए मुनिराज की भी वह दशा। मुनिराज जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, गुरु की वाणी चलती हो और वाणी छूट जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जो तुम सुनोगे इतने दिनों में तुम्हारा सुनने पर जोर न हो, तुम अनुभव की ओर यात्रा करो। छूटने दो वाणी, छूट जाए तो छूटने देना। उतने रस से, उतने भाव से तुम अंतर में अनुभव करो कि वाणी छूट जाए, और जब तक तुम्हारी वाणी सुनना छूट न जाए तब तक तुमने वाणी को सुना ही नहीं, क्योंकि वाणी का फल कहां मिला। मगर हमने तो कि वाणी चल रही है छोड़े कैसे, 1 घंटे का सत्संग है, मुनिराज 1 घंटे का सत्संग सुनते ही नहीं। मुनिराज की दशा तो निराली दशा है, विहार करे तो भी 48 मिनट के भीतर आत्मा के ध्यान में लीन होंगे। अब हम सुनते सुबह 5 बजे विहार शुरू हुआ, 9 बजे कहीं पहुंचे, जो 48 मिनट के भीतर ध्यान में लीन हो जाते हैं वो रास्ते पर कहां पर ध्यान में लीन हुए, कोई ठिकाना नहीं। पहले गुणस्थान से बाहर निकलने का ठिकाना नहीं, 6ठे 7वें की तो बात दूर है। हर अंतर मुहूर्त में, मुंबई में मैं एक महासती जी को पढ़ाता था, वाल्केश्वर का उपास रही है, स्थानकवासी उपास रही, महासती को पढ़ाता। मैंने उनसे पूछा कि आज तो हमने ये सत्संग रखा, क्या कल से आप नियमित रूप से पढ़ेंगे? ले हाँ पढ़ेंगे। कौन सा टाइम? बोले एक काम करना, भोजन के बाद 2 घंटे 1 घंटे के बाद का समय रखना। वहां और महाराज साहब भी थे, भोजन के बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद, क्योंकि हमारे उसमें लिखा है कि भोजन करने के तुरंत बाद ध्यान नहीं करना चाहिए। प्रमाद कितना होगा, भोजन अभी पेट में गया, अभी नीचे तक नहीं उतरा और तुम ध्यान करने कैसे बैठोगे, तुम्हारा ध्यान कैसे टिकेगा। मैंने उनसे कहा कि मुनिराज तो वे है जो आहार लेते हैं और आहार लेने के बाद में अंतर मुहूर्त के भीतर ध्यान में लीन होते हैं, और तुम कहते हो 1 घंटे का तो विश्राम चाहिए, नींद के बिना आराम कैसे होगा। मुनिराज की ये दशा कि जिन्हें हर अंतर मुहूर्त में वो गिनती नहीं रहती, इसलिए तो बीच प्रवचन में ही जो लीन हो जाते हैं। आज का दिन भावलिंगी मुनि का दिन स्मरण में आया, आज का दिन तो खास दिन है, 24/8 का दिन है, जो 24 घंटे में 8 घंटे आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं वे भावलिंगी मुनि है। 24/8 से ये स्मरण में आए,
24 घंटे में 8 घंटे नियम है, लगातार नहीं, मगर नियम से 8 घंटे आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में लीन रहे, उन्हें मुनि कहा। और इनको पढ़ाता हूं, ये पूछते आत्मा के ध्यान में लीन कैसे होते, मगर अहंकार को झटका लगता है, आप निंदा करते हो, टीका करते हो, ये भावलिंगी मुनि का स्वरूप। भारत देश के सबसे बड़े मुनि हो दिगंबर मुनि, अभी पूरे भारत में नाम है उनका, 100-100 मुनि ने उनके हाथ के नीचे दीक्षा ली। कल मैंने इनको वीडियो दिखाया, देखो नदी में बोट में बैठ करके बोटिंग करने निकले, सबने देखा। कल दोपहर में मेरे नजदीक जो रहते उन्हें लाभ मिलता है ये सब। कम भीड़ होने तो ये सब हो सकता है, ज्यादा भीड़ में नहीं हो सकता। ये सब कैसे बताओ, एक एक चीज मैंने उनको बताई, उनका भ्रम टूट गया। वो मान रहे थे कि मैं तो समझ रहा था ये छठे सातवें में जुल गए, अंदर गए तो सातवें में, बाहर निकले तो छठे में, बोट के अंदर गए तो सातवें में, बोट से बाहर निकले कि छठे में। और तुम देखो जैसे पिकनिक मनाई जा रही है, और देश के सर्वोच्च नाम नहीं लेता हूं, जिनके पीछे हजारों लाखों लोग पागल होते हैं, 50-50 वर्षों से जो दीक्षा का पालन करते हैं, अनुभूति का एक भी नहीं पता, अब भी नहीं पता। भावलिंगी मुनि वह दशा आएगी, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ। यदि ऐसा होना होता तो कब के हो गए होते, मगर नाटक करके नहीं होना। परम कृपालु देव स्वयं ये स्वीकार करते, जब तक मेरी परिणति ऐसी निर्मल नहीं होती तब तक मैं गृहस्थ हूं। तुम जरा देखो ने इनके वस्त्र को, एक पोतड़ी एक लंगोट वही तो है, बस थोड़ा सा कपड़ा नीचे, और इडर के पहाड़ पर वो भी उतार देते थे, रात का समय है कोई नहीं, मस्ती है। मैंने ये सुना, मैंने इडर की सिद्ध शिला के बारे में पढ़ा है, जो कृपालु देव सिद्ध शिला उसका नाम था, सिद्ध शिला जहां सात मुनि को उपदेश देते थे महाराज साहब। जो तस्वीर मुझे ओशियानिया के देश में वानुआतु में नेशनल लाइब्रेरी में मिली थी, ओशियानिया के, आज दोपहर में जो मेरे साथ में रहते सामने से मेरे पास आना और मांगना, मैं आपको दिखाऊंगा, जो नजदीक रहते। नहीं तो आज देखेंगे, अभी भाव आ रहा था, एक सेशन एक्स्ट्रा रख लेंगे इसका ही, और मैं इधर नहीं बैठूंगा उधर बैठूंगा आपके साथ में, लैपटॉप इधर घुमा देंगे, और मैं आपको बताऊंगा प्रयोग से, तुम्हारे भ्रम टूट जाए छूट जाए, क्योंकि नजर के सामने जब तुम देखो ये परम कृपालु देव की दशा कैसी थी, परम कृपालु देव की असली तस्वीरों को देखो, परम कृपालु देव के असली अक्षरों को देखो, जिन अक्षरों पर मैंने हाथ लगाया था बड़वा में, और अभी भी ये देखना 142 गाथा को जब मैंने छुआ था, अभी 142 मेरे सामने बैठे, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो भी आपको दिखाऊंगा, यहां कलेक्शन ही हो रहा।
142 ओरिजिनल कृपालु देव के हाथों से लिखी आत्मसिद्धि, जो वड़वा में एक एक अक्षर पर जब मेरी उंगली घूमी थी, वो तस्वीर देखना, कहां कहां और कौन सी लाइन ऊपर गई है, कौन सी नीचे गई है और उसका कारण भी क्या है, हम इसके लिए मिलेंगे कि परम कृपालु देव की जो दशा थी, जो आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की, एक एक बिंदी भी कृपालु देव ने यदि लगाई है तो वहां क्यों लगाई है वो समझने जैसा है। यदि हो सके तो यहां पर एक हम सबसे ज्यादा बेहतर ये रहेगा, एक प्रोजेक्टर लगा देंगे, वो बाजार से मिल जाएगा, एक प्रोजेक्टर या बड़ा पर्दा लगा देंगे कि उस पर्दे में सभी को दूर से भी दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा। एक ऐसा अद्भुत काम करते हैं। और पुराने जो ग्रंथ है, जो ताड़ के पान पर लिखे गए हैं, जो आज भी उपलब्ध है, ताड़ के पान के वही ताड़, उसकी तस्वीर को भी आप देखो, असल में तो कभी यात्रा के लिए जाएंगे तो मुड़बिद्री जाएंगे। ये सब है, जो जानने जैसा है वो सब अनजाना रह गया है। ये सब रहस्य परम कृपालु देव ने कहा, मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि नहीं हूं, नहीं हूं ये स्वीकार करता हूं। हो गया, होता तो ये लिखता क्यों, अपूर्व अवसर ये वो क्या रे आवश्य नहीं आया है अभी, इसलिए तो लिखा, कब आएगा वह अवसर, ये तो शरीर ने साथ न दिया, पड़ोसन ने धोखा दिया, मगर एकावतारी हो गए। मैंने वीडियो भेजा था ना, गुरुदेव श्री कान्हे स्वामी कृपालु देव के बारे में क्या कहते हैं, पंडितों की आंखें खोलने के लिए, कृपालु देव तो श्वेतांबर है, कृपालु देव तो ऐसे है, उनकी आंखें खोलने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री कान्हे स्वामी ये कहते हैं, श्वेतांबर दिगंबर नहीं, वह तो ऐसा आत्मा है जिसका गोला नारियल से अलग हो गया, कोई लेना देना नहीं। ज्ञानी की यह पहचान है, ज्ञानी की पहचान है, मुनि की यह पहचान, वो ये नहीं पूछेंगे मैं मुनि होऊंगा तो किसी को भी नहीं पूछूंगा कहां से आए हो, जो पहले पूछते आओ कहां से आए, मुनि का नियम पूछेंगे नहीं कहां से आए हो। प्रत्येक मुनि को जानते हैं, उनको ज्ञान होता है, ये जितने भी सामने आए हैं वो कहां से आए, निगोद से आए, पूछने की जरूरत क्या है कहां से आए। अब तो आगे की बात करो, वह दशा आचार्य कुंद कुंद देव की, वह दशा अमृतचंद्र आचार्य देव की दशा, ये कहते सुनते सुनते, ये तो लगातार लिखा गया शास्त्र है, तुम जरा विचार करो 48 मिनट के भीतर ये पूरा समय सार लिखा होगा, 415 गाथा, ये पूरी टीका है, और वो भी ताड़ के पान पर लिखना है, कृपालु देव ने तो कागज पर लिखा, साई से लिखा, तो भी आत्मसिद्धि की 142 गाथाओं में 90 मिनट का समय लगा, तो भी हमें लगता है कितना जल्दी लिख दिया, हम देख देख करके नकल करें तो भी 90 मिनट में नहीं लिख पाएंगे, और कहीं पर भी चेक चाक नहीं, काटा काटी नहीं, कुछ भी नहीं। आज हम एक बुक को छापते तो कितना प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है, रसवाय दीर्घाय ये वो, और एक भी गाथा में व्याकरण की कोई भूल नहीं। मैं तो व्याकरण की दृष्टिकोण से आत्मसिद्धि का अध्ययन किया, अक्षर मात्रा रस्व दीर्घ हरेक पद में, उसको गाथा कहते हैं, हरेक पद में कृपालु देव, गाथा प्राकृत में होती, ये तो कहने की भाषा से ये चल गया, प्राकृत में गाथा शब्द बोलते हैं, हिंदी गुजराती में गाथा नहीं होती,
संस्कृत में जैसे श्लोक होते, मगर जब 415 गाथाएं लिखी तो बीच में रुके होंगे ना, आहार भी लेने गए होंगे ना, एक दिन में तो लिखी नहीं होगी, बीच में रुके, लिखते 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 काटा एक और रह गया, पत्ता एक और रह गया और ध्यान में लीन हो गए। और फिर एक बार हम कोई काम करते और वो छूट जाए, कहीं दूसरा काम करने जाए, फिर वो कहां से शुरुआत करनी, क्या करना, याद नहीं आता। ये तो वहीं से फिर शुरुआत, माने अंतर की आराधना के साथ में ये कंटिन्यूटी बाहर की, ऐसे ये शास्त्र लिखे गए। और जब ये लिखते हैं हमारे जैसे, मेरे जैसे ऐसे पामर को भी, जब ये लिखते समय, ये सुनते समय, ये बोलते समय जब इतना भाव आता है और पता नहीं चलता कहां, तो जिन्होंने लिखा उनकी दशा कैसी होगी। ऐसी दशा भगवान आत्मा, ऐसी दशा, ऐसा है भगवान आत्मा। ये लिखने की क्रिया के काल में वो जानते हैं, वो अनुमान से नहीं जानने वाला, ये प्रत्यक्ष जानता, प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं। इसमें तो प्रत्यक्ष जानना है, कोई अनुमान बीच में नहीं आता, कल्पना से जानता भगवान आत्मा, कल्पना करके अनुमान करके नहीं जानता। इसका स्वभाव ऐसा नहीं है कि अनुमान से जाने, इसका मतलब सर्वज्ञत्व स्वभाव वाला भगवान आत्मा है, जो लोकालोक को जानता है ऐसा भगवान आत्मा, लोकालोक को जानने वाला। तो लोकालोक को जानने वाला, तो वो जानने वाला क्या हुआ, लोकालोक ऑब्जेक्ट हुआ, और लोकालोक को जानने वाला ये सब्जेक्ट हुआ, लोकालोक को जानने वाला। तो सारा जगत है वो ज्ञेय है, और ये केवल ज्ञान कि एक समय की पर्याय, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में लोकालोक, लोकालोक में सब आ गया हो, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय एक केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आती है, क्योंकि उसमें लोकालोक में है ना वो, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय और एक नहीं अनंत केवल ज्ञानियों की, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की ज्ञान की पर्याय में जानने में आती है, केवल ज्ञान की पर्याय, और एक एक केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत अनंतानंत ज्ञेय, एक एक केवल ज्ञान की पर्याय उसका अनंतानंत ज्ञेय, दूसरे केवल ज्ञान की पर्याय उसके अनंतानंत ज्ञेय, ऐसे अनंत केवलियों की, अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय जिसके ज्ञेय अनंतानंत, ऐसा सब कुछ एक समय की ज्ञान की केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। ऐसा जो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जानता है, ऐसा जानने वाला भगवान आत्मा, इसकी महिमा नहीं, ये भगवान आत्मा जो ज्ञाता है, जगत को जानता है, उसकी महिमा नहीं, ज्ञाता की महिमा नहीं, ये ज्ञाता ही ज्ञान का ज्ञेय बनता है, महिमा उसकी, ये ज्ञेय की महिमा है, ऐसा बहुत सूक्ष्म भाव है, ये ज्ञाता की महिमा नहीं। ये कल कोई पूछा ना समय सार की गाथा 49वीं और ये 172वीं, इसमें ये ज्ञेय की मुख्यता से वर्णन, ज्ञेय कि मैं कैसा ज्ञेय हूं, जब मैं भगवान आत्मा जानने में आता हूं तो कैसा जानने में आता हूं, ऐसा ये जानने वाला। जब एक व्यक्ति है, इसका भाव समझ, एक व्यक्ति है वो गणित को जानता है, विज्ञान को जानता है, ऐसा एक व्यक्ति है, अब सभी विषयों को वो जानता है, तो वो जानने वाला हुआ, जो सभी विषयों को जानता है वो जानने वाला, मगर वो जो जानने वाला है उसे मैं जानता हूं, ये जानने वाले को जानना,
जानने वाले को जानना। एक है नौकर, एक है काम करने वाले कारीगर फैक्ट्री में, एक है कारीगर जो नौकरी करते हैं, अगर उसके ऊपर है सुपरवाइजर और उसके ऊपर है सेठ मालिक। सुपरवाइजर कौन होता है? कि जो काम करने वाले हैं उनको देखने वाला सुपरवाइजर, सुपरविजन करता, उसकी तनख्वाह ज्यादा होती है सुपरवाइजर। ये नौकर से, कारीगरों से सुपरवाइजर की तनख्वाह ज्यादा है, मगर सुपरवाइजर से भी ज्यादा कमाई बॉस को होती है। क्योंकि सुपरवाइजर का काम क्या है कि वो, बॉस का काम क्या है कि सुपरवाइजर को भी वो देखता, जो सुपरवाइजर सब कारीगरों को देखता। सुपरवाइजर कारीगरों को देखता है, उसका बॉस सुपरवाइजर को देखता, जो सबको देख, जो भगवान आत्मा सारे जगत को जानता है। ये भगवान आत्मा कैसा? ये भगवान आत्मा सुपरवाइजर, जो सारे जगत को जानता है। मगर ज्ञानी कौन? कि जिसने उस भगवान आत्मा को जाना जो सारे जगत को जानता है, जो सारे जगत को जानता है, ऐसा भगवान आत्मा जो सारे जगत को जानता है, उसको जानने वाला, जो जानने में आता है वो ज्ञेय। उस समय ये विकल्प नहीं, सारे जगत को जानने वाले को मैं जानता हूं, ऐसा विकल्प नहीं आता। जिस समय दर्पण की स्वच्छता को जाना, ये विकल्प नहीं कि दर्पण में और कौन प्रतिबिंबित हो रहा। दर्पण की स्वच्छता मात्र को जाना, उसमें प्रतिबिंबित तो हो रहा है। मैं भगवान आत्मा ज्ञान 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 को जानता हूं, इस ज्ञान में कौन प्रतिबिंबित हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हुआ कि दर्पण में कौन पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, मैं दर्पण की स्वच्छता को जानता हूं। यही वजह हो, ओ, 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 ओ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को भी ऐसी दशा होती है, वह जो अंतर मुहूर्त के लिए निर्विकल्प 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 ध्यान रहता है भावलिंगी मुनि को, लगातार नहीं मगर हर अंतर मुहूर्त में जो ध्यान में लीन होते हैं, उस समय ज्ञान में ये ज्ञेय, नए नए ज्ञेय प्रतिबिंबित हो, उसमें ज्ञेय अलग अलग हो और ज्ञान का परिणाम अलग अलग हो, मगर शुद्धोपयोग नहीं छूटा, उसका कारण क्या? बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे अभी निर्विकल्प अनुभूति हुई, ऐसा 4 बजे मुनि की बात है, सम्यक दृष्टि की, मुनिराज जब 4 बजे आत्मा के ध्यान में लीन हुए, तो 4 बजे से लेकर 4:01 पर वो दशा अंदर की वितरागता एक सी नहीं रहेगी, वितरागता में वृद्धि होती, प्रति समय वितरागता में वृद्धि होती, और जितनी जितनी वितरागता में वृद्धि होती है उतना उतना वितराग भाव का वेदन भी अंदर में, ऐसा वेदन आता है, ऐसा वेदन होता है। जितनी जितनी वितरागता बढ़ती है उतना अतीन्द्रिय आनंद भी बढ़ता, आनंद का वेदन बढ़ता है। तो वेदन भी जानने में आ रहा है ना, आत्मा का अनुभव हुआ तब अतीन्द्रिय आनंद के सागर उछलते, बेंसरे बेने लिखा, तो वो आनंद भी जानने में आया ना अनुभूति में। तो जैसे जैसे वितरागता में वृद्धि हुई और यहां ज्ञान में वो वितरागता जानने में आती है, अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान में जानने में आता है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद जो ज्ञान में जानने में आता है, वो अतीन्द्रिय आनंद पहले ऐसा इतना फिर इतना फिर बढ़ा, तो ऐसे ऐसे आनंद बढ़ा तो ज्ञान में जानने में आया। तो ये और ये अलग अलग है कि नहीं? पहले कम फिर ज्यादा ये जानने में आया, तो ये अलग अलग हुए, माने ये ऑब्जेक्ट, ये ज्ञेय, ज्ञेय में परिवर्तन आया ना, ज्ञेय में परिवर्तन आया, ज्ञेय बदल गया, मगर फिर भी वो जो ज्ञान का अनुभव है शुद्धोपयोग नहीं छूटा,
न्येय बदलने पर भी वो शुद्धोपयोग टिक करके क्यों रहा? हर समय आनंद बढ़ता है, मगर शुद्धोपयोग ऐसा का ऐसा क्यों रहा, डिगा क्यों नहीं? क्योंकि जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन बढ़ता है वो ओ, 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 ये जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ उसमें उदासीन भाव से ज्ञान पर ही जोर है। ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसका जोर होने से शुद्धोपयोग है। अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन हो रहा है ये है, मगर लक्ष्य ध्रुव का है। ये वस्तु धीरे 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 ये नई 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 बढ़ती गई, और यहां दर्पण है, उस दर्पण की स्वच्छता मात्र को मैं देखता हूं, तो दर्पण की स्वच्छता मात्र को देखता हूं तो उसमें जो प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थ कैसे भी हो, छोटे से बड़े हो, ऐसे पदार्थ हो, मगर मेरा आनंद जो है, मेरा जो ध्यान है, वो ध्यान भंग नहीं होता, क्योंकि मेरा जोर कहां है? जोर है दर्पण की स्वच्छता मात्र पर, स्वच्छता मात्र पर, स्वच्छता 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 मात्र पर। ऐसा ये चैतन्य, कैसी स्वच्छता, चैतन्य चैतन्य, इसी रुचि के बिना वो जानने में आ जाता है। रुचि के बिना सागर की जैसे तरंग है उछली और दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, तो जब मुझे तरंगों की रुचि ना हो और इस व्यक्ति ने जो दर्पण पकड़ करके रखा है, मैं दर्पण को देखता हूं, तरंग की रुचि बिल्कुल नहीं हो और दर्पण को देखता हूं, अब दर्पण ऐसा घूम गया जिसमें तरंग प्रतिबिंबित नहीं होती है, मगर मुझे दर्पण की स्वच्छता अभी भी दिखाई देती है, तो तरंग के प्रतिबिंबित नहीं होने पर भी मैं तड़पता नहीं हूं, मैं दुखी नहीं होता हूं। इसलिए मुनिराज की वह दशा, अतीन्द्रिय आनंद जब जानने में आता है, या अतीन्द्रिय आनंद जब जानने में नहीं आता है, उस समय भी मुनिराज के भीतर में जो धारा है वो अतीन्द्रिय आनंद के जोर नहीं था, अतीन्द्रिय आनंद का जोर नहीं था, इस वजह से मुनि मुनि ही रहे, मुनि मुनि ही रहे, भले ध्यान में से बाहर आ गए। ध्यान में लीन हो तब मुनि, ऐसा नहीं ध्यान में से बाहर आए तो भी मुनि। छठे गुणस्थान में मुनिराज, ये ऐसी इनकी दशा है, इतनी परिणति जिनकी निर्मल हुई। अब श्रद्धा की अपेक्षा, वो वेदन की बात कही थी, श्रद्धा की अपेक्षा चौथे गुणस्थान में भी ऐसा स्वरूप है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि को ज्ञेयों की रुचि नहीं होती, नहीं होती ज्ञेयों की रुचि नहीं होती। तो दुकान पर जाते हैं वो क्या, पत्नी परिवार के साथ रहते हैं ये क्या, प्रवचन सुनने बैठते हैं ये वाणी तो ज्ञेय है, ज्ञेयों की रुचि नहीं होती। सम्यक दृष्टि को ज्ञेयों की रुचि नहीं होती, वाणी की प्रवचन सुनने बैठे ने उसकी तो रुचि नहीं है, मगर प्रवचन सुनने का जो विकल्प आया उस विकल्प की भी रुचि नहीं है, विकल्प की भी रुचि नहीं। विकल्प की रुचि का मतलब ये, रुचि का मतलब ये कि वह है या फिर वह नहीं है, तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है, हो या न हो उससे फर्क न पड़े, उसका मतलब कि रुचि नहीं। हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, माने रुचि नहीं है बस। मैं जो आपसे कहता हूं ना, आपको भगवान आत्मा की अभी रुचि नहीं है, रुचि नहीं है का मतलब बस वही कि भगवान आत्मा है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, उसको बोलते रुचि नहीं। रुचि का मतलब कि कुछ फर्क पड़ता है, इंद्रिय विषय की रुचि है कि जिसके बिना चले ही नहीं, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी न हो सके, खाए बिना चलेगा कैसे। कितनी प्रतिज्ञा, भोजन की प्रतिज्ञा ले ली, मगर पानी की प्रतिज्ञा ले लो, उसमें भी तो जल का एक मर्ते, यहां नहीं पिएंगे पानी,
फिर वायु का एक भी मरते, नाक बंद करो, मुंह बंद करो, नहीं नहीं नहीं, उसके बिना जीवन कैसे चलेगा? ऐसा जैसा अज्ञानी को लगता है इसके बिना जीवन चलेगा कैसे, सम्यक दृष्टि कहते ये जो ज्ञान की स्वच्छता है ये जीवन है, ये जीवन ये तो बाकी सब ढेर के अंदर पड़ा है, इसे तुम पहुंचाओ स्मशान में, अभी पहुंचाओ, मगर ज्ञान की स्वच्छता ये मेरा जीवन है। ऐसा अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा जिनकी श्रद्धा में है उसे कहते हैं कि उन्हें अज्ञेय की रुचि नहीं है। भाव आते हैं बोलने के, सुनने के, शास्त्र को पढ़ने के, लिखने के, मगर रुचि नहीं है, अर्थात उससे मेरा जीवन नहीं है, ऐसा जीवन नहीं है। और ये अनंत काल तक रहता है, ये अनंत काल तक, ये नया नया ऐसा नहीं शादी हुई और पति ने पत्नी कहा तेरे बिना मेरा जीवन नहीं, दो दिन में पता चलेगा, ऐसा नहीं, अनंत काल तक ये कि यही चैतन्य जीवन, ये जीवन वो चलता जीवन नहीं, ये ठहरा हुआ जीवन, ये जीवन सत्ता है, जीवन चल रहा है, जिंदगी चल रही है, वो चल रही है, उसका नाम जिंदगी नहीं है, जो कभी नहीं चलती वो जीवन है, वो ध्रुव ये मेरा जीवन है। कितना हम ये कितना ये जीवन क्या है, नहीं तो जानने को कहते जानन जानन जानन, जो सदा काल है, रोज ये उपयोग करते हैं। कैसा चल रहा है जीवन, कि अच्छा चल रहा है, किससे चल रहा है, कि पानी से चल रहा है, आहार से चल रहा है, ये शब्द इतना इतना मुझे बचपन से अच्छा ऐसा लगता था कि शब्द ही कहता है जीव, जीवन शब्द बनाए जीव से कि वही मेरा जीवन है, मगर आज तक कभी नहीं सोचा जीवन में जीव है ये मेरा जीवन है। तुम्हें तो पूछना चाहिए कैसा चल रहा है पुद्गलन, जीवन नहीं, जीवन कैसा चल रहा है, कैसा पुद्गलन चल रहा है, जीवन तो ज्ञानी को है जिसे जीवन का ये चैतन्य जीवन, ये जीवन है, और ऐसा चैतन्य जीवन भगवान, ये ऐसा ऐसा चैतन्य जीवन ये जब वो वेदन में आया आनंद, जीवन का एहसास हुआ, आनंद का वेदन हुआ, अनुभव हुआ, उस अनुभव के साथ में, उस ज्ञान के अनुभव के साथ में, अब ये जो जानता है वो जानता भी प्रमाण है, मगर असली रहस्य को जान, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान यदि हो प्रमाण, एक बार देखा ने, मैंने अग्नि को देख लिया, अब फिर मैं दूर चला गया, अब दूर चला गया, अब दूर जाने के बाद में मुझे अग्नि नहीं दिखाई देती, अब सिर्फ धुआं दिखाई देता, तो मैंने अनुमान लगा लिया कि वहां अग्नि है, मगर अकेला अनुमान होता तो प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान हो तो प्रमाण, पहले एक बार तो देखा हो ऐसा, इसलिए जो कहते थे कि मैंने सब छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि जगत में मेरा कुछ भी नहीं, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, अब मेरा कुछ भी नहीं है इसका पता तो उसे चलता है जिसे मेरा का पता, अब मैं कौन हूं यही पता नहीं है, और कहते हैं जगत में मेरा कुछ भी नहीं, ये उधार है, ये ज्ञानियों को अनुभव हुआ था मेरा नहीं है, और अज्ञानियों ने नकल की और छोड़ना चाहो, ये घर मेरा नहीं है, ये पता है ना, इतनी जमीन ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, ये चारों ओर जितने ने वो सब मेरी नहीं, जब कोई बताए ये पास वाली जगह मेरी नहीं, ये जगह मेरी नहीं, इसका मतलब तुम्हें इतना पता है कि तुम्हारी कौन सी, मैं जो अभी खा रहा हूं ये संतरा खा रहा हूं ना,
तो जब मैं कहूं कि ये नींबू नहीं है, ये नींबू नहीं है, अब मैं आम खा रहा हूं, मैं कहूं कि ये नींबू नहीं है, जब नहीं है कहूं, इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि नींबू क्या है। मैं का तो पता नहीं और कह दिया जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, क्या लेके आए थे कुछ भी अपना नहीं, मगर अपन का तो पता नहीं। स्व के बिना पर की यथार्थ श्रद्धा नहीं हो सकती, अनुभूति के बिना अनुमान प्रमाण नहीं, ये बोल ऐसा। बाकी आप ऐसे पढ़ते जाओ ना तो गुजराती में लिखा होगा ना तो भी ऊपर से जाएगा, प्राकृत तो पढ़ने जाओगे तो क्या हाल होगा। आचार्य अमृत चंद्र देव जो इस पांचवें बोल में, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है, यहां लिंग का अर्थ अनुमान, पहले लिंग का अर्थ इंद्रिय लिया था, यहां लिंग का अर्थ इंद्रिय नहीं है, लिंग का अर्थ अनुमान। क्यों? क्योंकि उसके आगे लिखा है, इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, माने केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है। लिखा है कि नहीं? आत्मा अनुमाता, अनुमाता माने अनुमान करने वाला, जैसे ज्ञान से ज्ञाता शब्द बना ना, ज्ञाता, दर्शन से दृष्टा, ऐसे अनुमान से अनुमाता, अनुमाता मात्र, अनुमान करने वाला नहीं है, यह प्रत्यक्ष जानता है यह बताना चाहते हैं। और यह कौन सा आत्मा, सिद्ध परमात्मा या अरियन परमात्मा? अरियन सिद्ध, कौन से आत्मा की बात है? सभी आत्मा की बात है, इसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, मेरी बात है। सभी भीड़ भाड़ को क्यों लेता है सीधा, यो ये मैं का भाव ऐसा अंतर रहा है। यहां ये लिखा आत्मा अनुमात्रा मात्र ऐसा नहीं है, निचले केवल अनुमान करने वाला, क्या लिखा, अनुमान करना, करने, अनुमान करने वाले लिखा है, सभी वाला ही माने एक नहीं ही, मैं ही, ये तो मरने से पहले यहां आ गए हो, नहीं तो दो चार साल का खेल है ये कुछ लोगों का। सही है कि नहीं? अब नहीं है सही, दो चार साल का ये सब तुम्हें अंदर से इतनी दृढ़ता आयो, अंदर में इतना अहोभाव न्यायक देव के प्रति, जिंदगी टूकी छे अने जंजाल लांबी छे, परम कृपालु देव का ये वचन। मगर वे ही कृपालु देव कहते हैं झंझाड़ टूकी छे ने जिंदगी लांबी छे, झंझाड़ एक समय नी विपरीत मलिन पर्यायी छे अने जिंदगी अनादि अनंत छे, जिंदगी टूकी झंझाड़ लांबी नहीं, झंझाड़ तो आटली छे अने जिंदगी बहु लांबी छे। अनुमाता मात्र, केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, ये तो दिन की बात है कि रात की बात? ये दिन में तो चलो ठीक है, मगर रात को तो सपना चल रहा हो, सपने के काल में तो देखता है ना ऐसा स्वरूप, सपने में, सपने में देखता है, क्योंकि ज्ञान का विषय जो है वो ज्ञान का विषय है, वो स्थिर नहीं है ना,
अर्थ नहीं, शब्द नहीं, ज्ञान नहीं। वो ज्ञान नहीं का विषय का, उसका विषय सत भी है और असत भी है। ज्ञान ऐसा है, ज्ञान कैसा जानता है, जो है ऐसा जानता है। मगर ज्ञान सत को भी जानता है, असत को भी जानता है, जो नहीं होता उसे भी ज्ञान जानता है, ऐसा ही है ज्ञान। इस जगत में गधे होते हैं या नहीं कि होते, इस जगत में सिंह होते हैं या नहीं कि होते, मगर ज्ञान में यह जानने में आया कि सिंह वाला गधा, ये ज्ञान में जानने में आया, जो होता ही नहीं। तो ज्ञान का स्वभाव ऐसा कि जो है उसे भी जाने और जो नहीं है उसे भी जाने, ऐसा जानने वाला। जानता तो है ना, ऐसा जाना ना उसने ज्ञान में, जो सामने है नहीं मगर दो को जोड़ करके जाना ना। भगवान आत्मा अलग है, देह अलग है, मगर दोनों को मिला हुआ जाना कि नहीं जाना, ऐसा जो जानना है, जो सपने में भी जाने कि जो सामने है ही नहीं उसे जाने, वह जो जानना है, वह जानना तो अनुमान वाला ने, या कहते वह भी प्रत्यक्ष है, वह भी प्रत्यक्ष, कि जानने का स्वभाव जो है वो प्रत्यक्ष है, स्वभाव में प्रत्यक्ष है, वो किसी का सहारा लेके नहीं जानता। असत को भी जानता है तो भी अपने स्वभाव से जानता है, किसी से मांग करके नहीं जानता। ऐसा ये भगवान आत्मा केवल अनुमान से ही जाने, ऐसा यह ज्ञेय पदार्थ नहीं है। अनुमान से जाने ऐसा, ऐसा यह ज्ञाता पदार्थ नहीं, ऐसा यह ज्ञेय पदार्थ नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि मैं जानने वाला नहीं, जानने में आने वाला। ऐसी अंत में द्रव्य दृष्टि का भाव, ये द्रव्य दृष्टि का भाव। सामने यहां दर्पण है, मैं यहां बैठा हूं, दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, अब वो दर्पण गिर गया और फूट गया, फिर दूसरा दर्पण लाया, उसमें मैं प्रतिबिंबित हुआ, दर्पण नीचे गिरा फूट गया। ऐसे ही दर्पण में प्रतिबिंबित होता हूं, दर्पण गिरता है फूट जाता है, मगर मैं रोता नहीं हूं, क्योंकि ऐसा कि जहां प्रतिबिंबित हो रहा है, जहां प्रतिबिंब पड़ रहा है वहां मैं नहीं हूं, जिसका प्रतिबिंब वहां पड़ा वह सत्ता यहां मैं हूं। ऐसे ही ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आता है, जानने में आता है वो दर्पण, मगर जो जानने में आता है ये मैं हूं। इसलिए पर्याय का नाश हो जाने पर भी मैं तो टिक करके रहता हूं, इसलिए ज्ञानी को एक समय के लिए भी, प्रति समय मृत्यु पर्याय के काल में भी दुख नहीं होता। जोर यहां है, ये ज्ञेय का भाव, मैं ज्ञेय हूं, ये बिल्कुल बात अलग बात लगती है। आज तक सुना जगत को जानने वाला मैं हूं, अरे जगत को जानने वाला नहीं, जानने वाला जो है वो चैतन्य परमात्मा, वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। जानने वाली तो पर्याय है, ऐसा हो सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, मानते नहीं है लोकालोक को जानने वाला मैं, वरना मिथ्या दृष्टि हो जाए। लोकालोक को जानने वाला मैं नहीं, लोकालोक को जानने वाली एक समय की पर्याय है, त्रिकाली थोड़ी जाता है जानने, त्रिकाली पर्याय में जाकर के जानने जाता है। त्रिकाली यदि पर्याय में घुस करके जानने जाए तो वो पर्याय मर जाएगी, तो त्रिकाली भी मरेगा। पर्याय में जब लोकालोक जानने में आता है तब त्रिकाली उस पर्याय में नहीं मिलता, माने लोकालोक को भी जानते जानता नहीं है, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं, तो फिर महिमा किसकी थी? केवल ज्ञान की महिमा इतनी गाई थी,
तो फिर केवल ज्ञान की महिमा तो कितनी हमने सुनी थी, अब तो कह दिया कि केवल ज्ञान जैसा केवल ज्ञान, वह भी मैं नहीं, तो इतनी महिमा जो गाई केवल ज्ञान की जो लोकालोक को जानता, तो उसकी फिर महिमा क्या रही? केवल ज्ञान की महिमा है कि लोकालोक को जानता है केवल ज्ञान, ध्रुव लोकालोक को नहीं जानता, मगर केवल ज्ञान का आश्रय लेकर लोकालोक को नहीं जानता, मेरा आश्रय लेकर लोकालोक को जानता है, ऐसा मैं भगवान आत्मा। ऐसा मैं भगवान आत्मा, समझाणू काय? ऐसा मैं भगवान आत्मा, जिसको देख करके ज्ञान की पर्याय जानकर ज्ञान की पर्याय लोकालोक को जाने, ये लोकालोक को जाने, लोकालोक को जाने, ऐसी ज्ञान की पर्याय, ऐसी ज्ञान की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा जिसके आश्रय से वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब मैं एक पार्टी में गया, मैं बैठा था सोफा पर, किसी ने मेरी ओर देखा ही नहीं, अपमान कर दिया ऐसा। अरे किसी ने देखा ही नहीं देखा, मैं भगवान आत्मा जिसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जिसको जाने, और तो भी जिसे पढ़ी नहीं कुछ, ऐसा भगवान आत्मा ये दो चार मूर्खों ने नहीं जाना, और रोने लगता है कि अरे उसने मुझे नहीं जाना, वहां मेरी कोई कदर नहीं करता। अनंत पर तूने तेरी कदर कहा कि दूसरा तो बात की बात है। ऐसा अद्भुत रहस्य, आपकी जितनी भी शंका हो ना इसके संबंध में, दोपहर में 4 बजे शंका समाधान के सेशन में तत्व चर्चा में करेंगे चर्चा। जब सुनने बैठते हैं, जब बोलता हूं तब सच्ची ये भाव आता है कि ये वाणी चलती ही रहे, क्योंकि इतने राज और आ रहे हैं एक एक समय, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जिसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा ज्ञेय पदार्थ मैं हूं, ऐसा ज्ञेय पदार्थ मैं, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये ज्ञेय पदार्थ मैं है। चुपचाप ये ज्ञेय पदार्थ में है, उस समय ये नहीं स्वज्ञेय परज्ञेय, वो डाउट हो जाएगा, अपनी पत्नी को लेकर पार्टी में, ये मेरी पत्नी हो, ये मेरी पत्नी माने कोई और भी है तुम्हारी, वो विकल्प नहीं। सच तो ये है कि जब पत्नी के साथ में वो जो एकत्व इतना हो कि वो विकल्प भी नहीं आता, क्योंकि मेरा उसमें पराये का फिर विकल्प खड़ा होगा, वहां तन्मयता है, ये विकल्प नहीं है स्वज्ञ का, वहां अनुभूति मात्र है, उसका विवेचन मैं करूंगा। अभी तो पांच दिन हुए, आज से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो गए, आधा दिन गया, 7.5 बाकी, अट्ठाई करनी है। अट्ठाई करने वाला हूं, रोज कम से कम 8-8 घंटे की अट्ठाई करूंगा, चैतन्य 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 चैतन्य,
आप समस्त ज्ञान दीपकों ने यहां आकर सत्संग करने का अवसर दिया, आपके निमित्त से यह वाणी निकलती हूं। भवि भागन वच जोगे वशाय, मैं ये नहीं कहता मैं तीर्थन करूं, मैं ये कहता हूं कि कितना भी विकल्प करो मगर जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय न हो वाणी कैसे निकलेगी। आपके पुण्य के उदय से मुझे इतना सत्संग में रहने का अवसर मिला, उसमें मेरा भी पुण्य का उदय साथीदार बना। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो Thank you.